ये मुद्दा सबक सिखाऊंगा, ये चैलेंज कर गिरा वहां अटकी जनता ने देख लूंगा, प्रत्येक आदमी ने देख लूंगा धमकान गिरा बाहरी प्रत्याशी ने भगावा की जरूरत भी आप लोगों ने है। यो टिकट नहीं काटो है, यो पूरी विधानसभा के जनता के मध्य चोट की दी है। कोई तो जयपुर वहां लड़ रहा है, कोई कटू लड़ रहा है, वो आप लोगों को छुपे का नहीं है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वे 25 तारीख बाद आप लोगों ने नजर नहीं आ गया, यह गारंटी मारी है। जमीन है करोड़ों में नहीं अरबों में जमीन है, वह जमीन बिकी है। तुझे बड़ा क्यों मुझे 20 साल तक नहीं पूछना ने चीज नहीं छोड़ूंगा, ऊंट का पूछना है उन्हें नहीं। आप लड़ू मारा छोरा छोरी लड़ी मारा पोता पोती लड़ी अड़ी तरह की बात की थी बड़ा। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि जिस तरह से पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका टिकट जिस तरह से काटा है वह आप सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि टिकट काटने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि उनका यह लगातार तीसरा चुनाव है जो वह जीतने जा रहे थे। पार्टी के कुछ उम्मीदवार, पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यहां अंदेशा था कि अगर चंद्रभान सिंह तीसरी बार चुनाव जीत जाएगा तो वह मंत्री बनेगा, इसलिए काट सके तो उनका टिकट काट दो वरना वह रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने जयपुर से संबंध रखने वाले नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया है, उनकी कार्यशैली कैसी है यह आप सब जानते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावता पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से शहर की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे करके प्लाट काटे हैं, जिसे जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर की जमीन हो या ईदगाह की जमीन हो या फिर कब्रिस्तान की जमीन हो, उन्होंने किसी जमीन को नहीं छोड़ा, सब पर प्लाट काटने की कवायद शुरू रखी। वह आप सभी के सामने है और ऐसे प्रत्याशी पर विश्वास न करें। यो टिकट नहीं काटो है, यो पूरी विधानसभा के जनता के मध्य चोट की दी है। यदि 21 तारीख ने टिकट काटो और उदयपुर हो मुंह 2 घंटा बाद करे आयो, कम कम 8-10 हजार लोग यदि करे हा और बड़ा प्रत्येक आदमी के आंखों में आंसू हुआ को आपका विश्वास में 100% करो तू और चुनाव जीतवा बाद कटने जानो और कटने नहीं जानो वो भी आम जनता फैसलो करेगा, चंद्रभान सिंह आज्ञा नहीं करेगा। ताकि यह चुनाव आम जनता लड़ रही है, कोई तो जयपुर वहां लड़ रहा है, कोई कटू लड़ रहा है, वो आप लोगों को छुपे देखा नहीं है। ताकि जो चुनाव लड़ रहे हैं वे 25 तारीख बाद आप लोगों ने नजर नहीं आ गया, यह गारंटी मारी है। और दूसरी पार्टी जो चुनाव लड़ रहा है बड़ा को भी छठो चुनाव है, बसो चुनाव है, छठो चुनाव है और 6 चुनाव में 30 साल तक जनता सब तरह को देखियो है कि शहर में कही हो गांव में कही हो किसान कही हो वो आप लोगों को वह चीज में छुपी दिखी नहीं है। यो भगवान लक्ष्मीनाथ को जगह है नी, अरे चित्तौड़गढ़ में लक्ष्मीनाथ को मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और अटा की बहुत बेस कीमती जमीन है, करोड़ों में नहीं अरबों में जमीन है, वह जमीन बिकी है और वह जमीन अटा का जो पूर्व एमएलए साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं बड़ा की सिस्टर चेयरमैन ही और बड़ा का हाथ का पट्टा कटे दिखा है और बड़ी दान वह जमीन बग्गी है और लक्ष्मीनाथ का मो हाथ कनकू यह चीज है। अब आर्मी शहर में अना 5 साल में कोई चीज की जमीन जमीनी की कमी नहीं, आप लोग हो चोगा आप देखो होगा क्या कि अटे द्वारका धाम के अटे जमीन है वहां भी आप देखी होगा, वह जमीन भी किसान कब्जा हुआ, किसान नाड़ा बढ़िया, किसान बच्चा ने उठाई कई हुआ है और कटे गणेश जी का मंदिर की कई दशा भी है वह भी आप लोगों को छुपी दिखी नहीं है। और भी अटे धार्मिक जितनी भी जगह है नी बड़ा सब जगह का एग्रीमेंट भी हुआ है, मेरी कॉपी चाहे तो मेरी कॉपी मैं आप लोगों ने दे सकूं, ये भी कॉपी एग्रीमेंट की कॉपी मार पाए से विनती है अणी चित्तौड़ ने बचाव की जरूरत है और बाहरी प्रत्याशी ने भगावा की जरूरत भी आप लोगों ने है।
तुझे बना क्यों 20 साल तक नहीं पूछना, नहीं चीज नहीं छोड़ूंगा ऊंट का पूछना है उड़ो नहीं आप 20 साल पूछना नहीं छोड़ेगा मतलब कही है कि मुंह लाड़ू मारा छोरा छोरी लड़ी मारा पोता पोती लड़ी एनी तरह की बात की थी बड़ा तो 20 साल तक मैं पूछ लो नहीं छोड़ू तो पूछ लो तो यार जनता छोड़ा या आप भी छोड़ोगा और यदि एक बार हटाया वे 21 तारीख ने टिकट मिलियो 30 तारीख में 10 दिन बाद तो आया और 10 दिन बाद आज जनता ने क्या कह रहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा ये चैलेंज करके रहा हूँ अटेंगी जनता ने देख लूंगा प्रत्येक आदमी ने देख लूंगा धमकान कह रहा कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा आप सबक सिखवाने तैयार हो गई यो सबक आप सब लोगों ने यो सबक सिखाना है आप सब आम जनता ने सबक सिखाना है क्या चुनाव किसान में चुनाव किसान लड़े क्या चुनाव पहले आप तो सेकाव साहब का नाम पे लड़ जीतन पर गया क्या चुनाव किसान लड़े चुनाव बेरोसी जी सेकाव तो महान पुरुष था पर वड़ा का जमाई हो आप वड़ा का नाम पे कतरा साल कमा खाओ आप 25-30 साल तो गया वड़ा के नाम पे कमा खाता खाता और कतरा गुड़ा मुंह मांग रहे हो जमाई हो तो वो हक पूरा भी क्यों तो जनता को हक है क्योंकि जनता पे आप लोगों ने पसंद नहीं करे अगर 72 साल 74 साल की उम्र में उड़ा वो मैं कहीं ले आप इनका वास्ते आप लोगों ने विनती है नहीं अपना लोग फोन करिया यो कर लांगा वो कर लांगा वे जो फोन करिया नहीं लगाना है कि भाई चंद्रमान सिंह ने खत्म करना दूसरी जनता में तुझे चंद्रमान सिंह खत्म व्यवहारों नहीं है क्योंकि मैं टिकट उन्हें खत्म कर सका दूसरा काम खत्म कर सका पर यह खत्म नहीं बैठ सके क्योंकि जनता यदि साथे में जाने आम आदमी के तो खत्म नहीं बैठ सके चुनाव तो और भी आ रहा है दूसरा भी आ रहा है मारी तो आप लोगों ने विनती मारो कटर के गड़ो भरागा तो आप लोगों को जरूर भरागा मारी विनती है आप सब लोगों ने कि अड़ी समय में आप सब लोगों ने ताकत तो खोड़ो रहे अड़ी चुनाव ने आप लोगों ने लड़ना चुनाव मने ने लड़ना है यो थोड़ी मारी हाथा जोड़ी है आप लोगों ने विनती है सब तरह का फोन आप आगा सब तरह की बात आप लोगों ने कहेगा पर चुनाव आप लोगों ने लड़ना हमारी विनती है एक बार और आपने विनती है कोई अपना भाई लोग बेना नहीं भी आया हुआ बड़ा नहीं मोटिवेट करना है और प्रचार करवाने करीब करीब उस शब्द का आवाज की कोशिश करूंगा कटे नहीं भी आ पाए हो तो भी आप लोगों ने बड़े प्रचार करना है कोई भी अपना भाया भाया बेना कोई भी अटूटे भी मेरे तो भी आप लोगों ने हमारी विनती है बड़ा ने भी आप सही करवा जाओ और अड़ी चुनाव ने ताकत ने सामने सेट करो कालका माता जी के भरोसे अभी हजारों की तादाद में चुनाव ने जीतागा हमारी आप सब लोगों ने विनती है कि आप सब लोगों ने चुनाव में अच्छी ताकत उड़ा लीजिए आप शक्ति उड़ा लीजिए और आप सब लोगों का ईमानदारी पे वो ईमानदारी आप लोगों ने कभी नीचे नहीं देखवा दूंगा और अड़ी चीज में वो आपके घर उतरवा की कोशिश करूंगा।